यहाँ आ गए हम लोग पानी के लिए। देखिए नजदीक अर्सोनी यहाँ से पानी ले ले रही है। खुदाई किया हुआ है यहाँ पर, मन्नत मांगते हैं लोग और बहुत इसका शादी नहीं हो रहा है, किसी का नौकरी का मन्नत मांग रहा है उसका पूरा हो रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिलीप सोनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी, आई होप सभी आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है फर्स्ट सोमवारी जो कि सोमवार का है, तो आप सभी को हैप्पी सोमवारी और हर हर महादेव। तो अभी हम पूजा करने जा रहे हैं क्योंकि अभी नहा लिए हैं और आज स्कूल भी जाना है, सुबह हो चुका है और पापा मम्मी भी अभी जाएंगे पूजा करने के लिए, तो आपको तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो अभी हम जल्दी से पूजा कर लेते हैं। देखिए भैया पूजा करके खाना नाश्ता भी करने लगा है और अभी हम जा रहे हैं पूजा करने के, चलिए चलते हैं। परी तो पूजा वगैरह करके स्कूल चली गई है और देख सकते हैं हम भी रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन तो मंदिर जाना जरूरी बनता ही है। तो आज हम लोग भी मंदिर जा रहे हैं। किशन का पापा इसे जाने नहीं चाह रहे थे लेकिन बड़ी मुश्किल में उनको मनाई ही, कल आप लोग देखे ही थे कि वो कैसे कर रहे थे। तो अभी भी उनका सोचिए कि मूड उतना अच्छा हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग भी कमेंट करके थोड़ा उनको समझाइएगा, हम तो अपने तरफ से समझा ही रहे हैं। तो चलिए अभी ज्यादा लेट नहीं करते हुए आज हम लोग कुछ काफी दूर ही जा रहे हैं, जो हम लोग के महादेव जी हैं उनके ऊपर जल ढालने। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और हमारे साथ साथ आप लोग भी दर्शन करिएगा और कोशिश करेंगे कि किशन का पापा को भी थोड़ा वीडियो में लाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऐसा बात नहीं है लेकिन कभी कभी आदमी का मन में ना कुछ चलते रहता है, क्या करें। और दूसरा क्या है कि घर का गार्जियन रहता है उसको तो टेंशन हो ही जाता है। और क्या रहा कि हम तो वीडियो नहीं बनाएंगे सोचे थे लेकिन आप लोग का इतना प्यार, इतना अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा है कि हम भी मजबूर हो जाते हैं कि भाई इतना अच्छा फैमिली को हम कैसे छोड़े। तो बहुत मतलब दिमाग पे घूमने के बाद में हम सोचे कि भाई हम लोग एक तरह से सोचिएगा तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, एकदम पूरा लास्ट होता है कि अब नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आप लोग का कमेंट आता है ना, तो हम लोग के अंदर एक अजीब सा ही फीलिंग हो जाता है कि नहीं ये चीज को नहीं छोड़ना है, जितना भी चले चलना ही चलना है। तो आप लोग इतना हम लोग को प्यार देते हैं, इसके लिए आप लोग को दिल से बहुत थैंक यू। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं मंदिर के लिए क्योंकि हम लोग काफी लेट हो चुके हैं, है ना। चलिए जमशेदपुर रास्ता जो है हाईवे रोड, उससे हम लोग मारासिली वाला रोड में हम लोग घुस चुके हैं और यहाँ से सिंगल रास्ता है, थोड़ा देख रहे हैं इस टाइप से यहाँ है ना। तो अभी इसी में हम और सोनी निकल चुके हैं, बाबू सबको तो नहीं लाए, स्कूल चल गया है। हम लोग का फर्स्ट टाइम है तो रास्ता में पूरा पूछते आ रहे हैं कि किधर जाना है, सब पता नहीं है क्या। हम लोग फर्स्ट बार आ रहे हैं तो पता नहीं था इसलिए पूछते आ रहे हैं। इधर तो लग रहा है पूरा सन्नाटा टाइप से, देखिए गांव है, पता नहीं। इधर हम पहली बार आ रहे हैं, हम तो और नहीं आए, तुम आई थी कभी? आप नहीं आए हैं तो हम कहां से आएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कुछ दूर में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को उसी पहाड़ में जाना है और लग रहा है कि काफी भीड़ भड़ाका है। हम तो यही से सोच रहे हैं कि चढ़ेंगे कैसे। थोड़ा थोड़ा यहाँ से देखिए पहाड़ दिखाई दे रहा है और इधर पूरा गाँव का एरिया है, पूरा गाँव है पूरा इधर। यहाँ तीन ठो रोड दिख रहे हैं, अब जाएं किधर से? किधर से जाएं? सच में हम लोग को भी पता नहीं है कि किधर से, मेरे ख्याल से यही रास्ता होगा। उधर से जाएगा तो पता नहीं। किधर से पूछे तो ये बड़ी होगा। हाँ पूछिए। तो हम लोग को फाइनली पता चल गया कि हम लोग को ये रास्ता से जाना है। इधर देखिए पूजा करके आ रहे हैं, तो अब हम लोग को आदमी देख के ही लोकेशन पता करना पड़ेगा क्या जिसका अच्छा माथा में। और यहाँ पर देखेगा YBN यूनिवर्सिटी नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पर। जी। इसी का है, हम लोग का बाबू सब स्कूल जाता है वो, है ना। तो इधर देखिए पहाड़ वहाँ दिखाई दे रहा है, इधर है हम लोग का आगे का व्यू, काफी मस्त लग रहा है इधर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हम लोग विलेज होते हुए निकल रहे हैं और यहाँ से देखिए कितना मस्त जगह है। लेके आते तो काफी मजा आता, लेकिन एक दिन वो लोग को भी लेके आएंगे, काफी अच्छा लग रहा है इधर।
तो दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग एकदम नज़दीक आ चुके हैं और कुछ लोग को तो देख रहे हैं हम लोग कि गाड़ी लेके ऊपर ही चढ़ गया है। तो सोनी, हम लोग गाड़ी नीचे छोड़ के चले कि ऊपर चले? पता नहीं है, पता नहीं, ऊपर तो थोड़ा हमको डर भी लगता है भाई। ऊपर डर है लेकिन एकदम प्लेन सा है जगह, तो हम लोग शायद चढ़ सकते हैं ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, हम लोग भी सोच रहे हैं कि ऊपर ही चढ़ के चले। और यहाँ देख रहे हैं ना, आज पहला सोमवारी है तो काफ़ी भीड़ भड़ाका है। यहाँ देखिए, भीड़ तो काफ़ी लग रहा है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं चले इसी में। यहाँ एक लग रहा है कि कुछ काटता उठता है समिति के लिए, है ना। यहाँ देखिए, रसीद उसीद के लिए रोक रहे हैं। यहाँ पर शायद पैसा वैसा ले रहे हैं, किस लिए लेते हैं? ₹10 यहाँ पार्किंग पैसा लगता है। ऊपर लगाएंगे तो नहीं लगेगा ना, यहीं दे के जाना है। ठीक है, तो ये सबको 10 दे के जाना पड़ेगा। रुको सोनी, उतरो नहीं तो गिर जाओगी। तो अभी हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। काफी भीड़ है, अभी हम लोग भी कोशिश करेंगे ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ देख सकते हैं हम लोग स्कूटी से ही चढ़ ले रहे हैं और इतना प्लेन जगह है कि कोई दिक्कत भी नहीं है यहाँ चढ़ने में, है ना। देखिए, चलते हैं हम लोग। और ये रहे हम लोग चढ़ रहे ऊपर पहाड़ के ऊपर स्कूटी में, काफी मजा आ रहा है। सब पैदल चढ़ता है ना, हम लोग पहाड़ में देखे स्कूटी लेकर चढ़ रहे हैं। यहाँ का व्यू काफी अच्छा है क्या सोनी? तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं मारासिली शिव मंदिर, जो पहाड़ के ऊपर है। देखिए यहाँ का व्यू कितना मस्त, कैसा लग रहा है सोनी? तो नया है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमको बस एक कमी खल रहा है कि हम बच्चा नहीं आ पाए। बस एक ही कमी है कि हम लोग बच्चा को लेके नहीं आए, लेकिन इस बार जब भी आएंगे तो हम लोग बच्चा को भी लेके आएंगे क्या सोनी? और अभी हम लोग जल लेने जा रहे हैं, यहाँ जल कुंड है, वहाँ से जल अभी पूजा के लिए लाएंगे। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं। यहाँ इतना बड़ा एरिया है ना कि सब बिखर गया है, भीड़ का पता ही नहीं चल रहा है। और हम लोग यहाँ मंदिर से चलेंगे। यहाँ एक कुंड है, वहाँ से पानी लेंगे। और अभी खाली पैर चल रहे हैं, देखिए, और गर्मी भी बहुत है। यहाँ पैर में तो चुभ रहा है लेकिन चलना पड़ेगा। देखिए सोनी का पैर में चुभ गया, कुछ क्या हुआ? यहाँ लगेगा ना कि हम लोग रांची में है ही नहीं, एकदम लगता है कि कहीं बाहर है क्या। तो चलिए अभी हम लोग पानी उनी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं जो मारासिली में, जो पहाड़ के ऊपर में एक कुंड है जहाँ से पानी या जल ले जाते हैं, वहीं का ये व्यू है। आप लोग देखिए, यहाँ सब कोई यहाँ आते हैं और यहाँ से पानी लेके जाते हैं पूजा करने के लिए वहाँ। और भी छोटा कुंड है, यहाँ पर छोटा छोटा कुंड है। हम लोग को तो पता नहीं कि यहाँ करता क्या है इसके। यहाँ पे मतलब लग रहा है यहाँ पर कुछ रेखा किया हुआ है, यहाँ अंदर नहीं जाना है। हमको तो पता नहीं है, यहाँ का जो लोग होंगे वो बताएं। तो दोस्तों ये कुंड का कुछ बहुत ही मतलब अद्भुत खासियत है जो कि हमको उतना डिटेल से पता नहीं हो, तो किसी से पूछने से ही पता चलेगा, फिर आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। तो इससे पहले मतलब इसका डिटेल हम लोग बाद में बताएंगे, सबसे पहले तो जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं, जल लेते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि काफी लंबा लाइन हम लोग पहले जल लेते हैं यहाँ से। और जल लेके हम लोग जाएंगे अभी मंदिर, और मंदिर जाने के बाद पूजा करने के बाद ही हम सबसे आपको रूबरू कराएंगे क्या सोनी? उससे पहले अभी हम लोग ले उसके बाद चले। लंबा लाइन हो जाएगा ना। यहाँ आ गए हम लोग पानी के लिए, देखिए नजदीक, और सोनी यहाँ से पानी ले रही है अभी इसी से पूजा करने के लिए जाएंगे। तो चलिए ले ली, थोड़ा सा हाथ पैर में पानी मार लो। तो अभी हम लोग लाइन पे लग चुके हैं ऑलरेडी। सोनी यहाँ देख रहे हैं ना, अपना लाइन पे लगी हुई है और काफी लंबा लाइन है, देख रहे हैं ना। लोग सिस्टम से चलेंगे लाइन लगते हुए। अभी हम लोग अब मंदिर का सामने पहुंच चुके हैं और देखिए कितना भीड़ यहाँ पर है, पूरा भीड़ है और लगभग सामने हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शिव जी का मंदिर, और ये रहा, और अभी बन रहा है।
पापा थोड़ा मोड़ा हम लोग से जो हो रहा है वो दान करने गए हैं, ज्यादा तो नहीं अभी लेकिन थोड़ा मोड़ा। मंदिर आके चंदन का टीका न लगाए और धागा न बंधवाए तो कोई फायदा नहीं क्या? कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट करके। इधर सोनी जी भी लगा ले रही है हम लोग देखिए अभी हम लगा चुके हैं, यहाँ सबको लगाने के लिए टीका यहाँ सबको खड़ा है। तो दोस्तों अभी हम लोग का मंदिर में पूजा हो चुका है और सामने देखिए बजरंग बली का भी मंदिर है यहाँ पर, तो हम लोग वहाँ भी थोड़ा सा देख लें पूजा कर लें है ना। और उधर और भी है, उधर भी लोग जा रहा है तो हम देखते हैं उधर क्या है, हम लोग भी चलेंगे क्या सोनी? तो अभी हम लोग आ चुके हैं बजरंग बली का मंदिर और यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा पूजा कर लेते हैं। देखिए काफी बड़ा है यहाँ, आइए हम लोग भी पूजा करते हैं उसके बाद मिलते हैं दूसरा जगह में। तो दोस्तों यहाँ देखिए यज्ञ होने का यही एक जगह है, अच्छा जगह में है अग्निकुंड। और यहाँ का सबसे अच्छा चीज आप लोग को दिखाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा एरिया दिखेगा, देखिए पूरा जंगल इतना अच्छा लग रहा है। आप पूजा करने तो आएंगे यहाँ, आपका दिन भी इतना मस्त कट जाएगा कि आप लोग को पता नहीं चलेगा क्या सोने। और यहाँ है ना कितना भी भीड़ हो जाएगा यहाँ पर आपको महसूस नहीं होगा कि इतना बड़ा जगह है ना, ये पहाड़ है लेकिन पहाड़ में आप लोग को लगेगा एकदम प्लेन है, मतलब देखिए पहाड़ का ऊंचाई में भी सब गाड़ी लेके यहाँ से घूम रहा है सब कोई। आ गए हैं यहाँ, एक कुंड दिख रहा है और यहाँ बाबा जी भी बैठे हुए हैं तो पूछेंगे कौन सी का ये है बाबा जी मंदिर? बगला मुखी गुफा है, गुफा यहाँ पर हम कामाख्या देवी में रहते हैं, मेरा गुरु स्थान उज्जैन है, हम नागा साधु हैं, मेरा नाम है महंत नागा लाल गिरी, हम 2008 में आए हैं, इस समय बाबा का मंदिर था, बाकी हमने बहुत चीज खुदाई किया है, जैसे ये खुदाई किया हुआ है, यहाँ पर मन्नत मांगते हैं लोग और बहुत इसका शादी नहीं हो रहा है, किसी का नौकरी का मन्नत मांग रहा है उसका पूरा हो रहा है। इसमें खासियत है ऊपर विशाल अर्घा और 8 फीट नीचे दब के ऐसा ही गुफा है। और यहाँ मन्नत पूरा हो जाता है तो क्या चढ़ाना पड़ता है? यहाँ पर 5 नारियल और 2.5 मीटर का चुंदरी चढ़ाता है। यहाँ आप लोग आना चाहते हैं तो आइए यहाँ, और काफी मतलब यहाँ सबका मन्नत पूरा होता है तो आइए आप लोग, हम लोग भी आए हैं और देखते हैं आजमा के हम लोग का मन्नत पूरा होता है कि नहीं, हम लोग भी कुछ मन्नत लेके ही जाएंगे अभी और जब पूरा होगा तो फिर एक बार फिर आएंगे तो क्या बाबा? हाँ एकदम पूरा होगा, बाबा का तो आशीर्वाद है ही, आशीर्वाद है। अब सावन का अभी समय है और अभी फर्स्ट सोमारी है तो काफी भीड़ भड़ाका हो रहा है, तो चलिए जल्दी से पूजा करते हैं और हम लोग भी निकलते हैं। तो इधर बाबा जी हम लोग का जो है क्या होने वाला है और हम लोग के साथ क्या हो रहा है तो ये देख के ही बता दिया, और जो भी बताते हैं कुछ लगभग मतलब करीब करीब 95% 100% सही है ना। तो देखते हैं बाबा जी बोल रहे हैं कि जल्दी हम लोग का मनोकामना पूरा हो जाएगा, तो देखते हैं बाबा जी कब तक होता है। एकदम होगा, माता रानी क्योंकि आगे हैं और देखिए अभी भी जाके देख लीजिए घर में जा करके कि आपको पहले शांति मिलेगा। हाँ बात तो है, उसके बाद तक कुछ काम होगा। तो अभी हम लोग का पूजा हो गया और अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? अब चल रहे हैं अपना घर की ओर और देखिए मंदिर का वहाँ पर छोड़े हैं हम लोग गाड़ी और कैसे पैदल पैर बिना लग रहा है कि देख रहे हैं पूरा देखिए पूरा फटने जैसा हो गया है क्योंकि आदत हम लोग का छूट चुका है, इतना पत्थर गर्म हो चुका है पहाड़ कि पूरा एकदम जल रहा है पैर। लेकिन चलिए यहाँ मंदिर में आके उतना सा देखा नहीं जाता है। और ये जो हम लोग पानी निकाले थे जो कुंड से, यहाँ एक समय शायद बहुत ज्यादा सांप एक ही बार निकला था, और यहाँ यहाँ देख सकते हैं पता नहीं किस किस चीज यहाँ यहाँ जो चिन्हित किया गया है ना 6-7 जगह, तो इस यहाँ यहाँ सब जगह मंदिर बनेगा। ओ काफी 4-5 जगह है, और इस कुंड में एक समय था कि बहुत ज्यादा सांप निकला हुआ था, शिवरात्रि था या कुछ था, ये तो उतना हम लोग को एडिया नहीं है क्या ना? उतना पता नहीं है लेकिन हम लोग को इतना पता चला कि यहाँ पे मतलब शिव मंदिर है, यहाँ
जहाँ मन्नत पूरा होता है तो हम लोग भी चल, जो आप बोलता है वही सुन के हम लोग भी अपना कुछ मन्नत लेके यहाँ पे आए थे। तो चलिए, अगर भगवान महादेव का कृपा होगा, पूरा होगा, तो हम लोग दोबारा जरूर यहाँ पे आएंगे क्या जी? तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर और वहाँ पर से स्कूटी लेके हम लोग चलेंगे घर। यही देखिए, यही वाला कुंड है, इसी में से बहुत सारा सांप निकला था यहाँ से। तो दोस्तों, इधर देख सकते हैं ये गाड़ी उतारने के लिए रेडी है, हम तो डर के मारे बैठ नहीं रहे हैं। और देखिए अभी इस तरह उतरना है, देखिए कितना रिस्की से गाड़ी उतारता है आदमी। आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं, हम तो नहीं बैठेंगे क्योंकि डर। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह पहाड़ ढलान है एकदम नीचे उतरने के लिए, और ये यहाँ पे है। चलो तो देखिए अभी इसी में हम ही बैठे हैं। हाँ, दोस्तों अभी हम लोग घर आ चुके हैं, देख सकते हैं काफी आने में हम लोग को लेट लग गया है ना। तो पूजा करके वहाँ हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोग जो भी रांची से हैं और देखते हैं तो एक बार वहाँ जरूर जाइए दर्शन करने के लिए, काफी अच्छा जगह है। अब बोला जाता है कि मन्नत पूरा होता है तो हम लोग भी कुछ मांग का है, अगर पूरा हो जाएगा तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप सभी को हमारे तरफ से फिर से हर हर महादेव। बाय बाय।